हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास वन की ईवीएस बुक चैप्टर 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा करने की जगह। गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, तो गॉड ने इस वर्ल्ड को बनाया है। ठीक है, जो गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं, उन्होंने इस दुनिया को बनाया है। गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो यानी गॉड भगवान जो हैं वो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें भी उन्होंने ही बनाया है। ऑल द पीपल प्रे टू द सेम गॉड, यानी जितने भी लोग हैं वो सेम गॉड यानी मतलब सेम जो गॉड होते हैं एक ही भगवान के वो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद देखिए, दे प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ देयर फैमिलीज़, तो वो लोग अपने फैमिलीज़ की खुशियों के लिए प्रे करते हैं। दे प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड्स, तो वो लोग अपनी फ्रेंड के खुशियों के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं गॉड से। दे प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और वो लोग वर्ल्ड में जितने भी पीपल होते हैं यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी खुशियों के लिए भी वो प्रे करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये लोग किस तरह से प्रे करते हैं। तो देखिए, हिंदूज़ गो टू ए टेम्पल टू प्रे, तो हिंदू जो हैं वो टेम्पल जाते हैं प्रे करने के लिए। मुस्लिम्स गो टू ए मॉस्क्यू टू प्रे, और मुस्लिम जो हैं वो मॉस्क्यू जाते हैं प्रे करने के लिए यानी कि मस्जिद जाते हैं। और उसके बाद देखिए, सिक्स गो टू ए गुरुद्वारा टू प्रे, और सिक्स लोग जो होते हैं, जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं प्रे करने के लिए। उसके बाद क्रिश्चियंस गो टू ए चर्च टू प्रे, और क्रिश्चियन वो चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए। इस तरह से सारे जितने भी धर्म के लोग होते हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को वो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, देयर इज़ ओनली वन गॉड, लेकिन भगवान जो है वो एक ही हैं, एक ही है, लेकिन सभी का तरीका अलग अलग है उन्हें पूजने का, पूजा करते हैं। ठीक है, वी कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स, और हम लोग उन्हें डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो देखिए, आपको हेल्प बॉक्स में जो है उन वर्ड्स को आपको सेलेक्ट करके आपको फिल करना है नीचे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डैश हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, तो किसने बनाया है इस वर्ल्ड को, किसने बनाया है, तो गॉड ने, तो गॉड लिख देंगे इसमें। उसके बाद देखिए, गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद हो जाएगा वी ऑल प्रे टू द सेम गॉड, उसके बाद देयर इज ओनली वन गॉड, वी प्रे फॉर द हैप्पीनेस ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह से इसे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है मैच देम, तो यहाँ मैच करना है, तो इसमें देखिए सिख, तो सिख का क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा, तो हम गुरुद्वारा में इसे मैच करेंगे। तो देखिए, गुरुद्वारा के साथ मैच कर देते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ हमने गुरुद्वारा में मैच कर दिया है। और उसके बाद है क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं, तो क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, तो हम चर्च में इस तरह से मैच कर देंगे। और उसके बाद मुस्लिम कहाँ जाते हैं, तो वो मॉस्क्यू जाते हैं, तो हम यहाँ पे मॉस्क्यू में इसे इस तरह से मैच करेंगे। देखिए, इस तरह से मैच कर देंगे, आप भी अच्छे से मैच कर लीजिएगा अपने बुक में। और उसके बाद हिंदूज़ कहाँ जाते हैं, तो ये टेम्पल जाते हैं, है ना, तो यहाँ हम टेम्पल में मैच कर देंगे।
तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।